हाँ तो यूट्यूबर्स कोई भी शॉर्ट्स तभी ज्यादा वायरल होता है जब उसका थंबनेल अच्छा होता है। अब आप लोग बोलोगे शॉर्ट्स में थंबनेल, हाँ यार अब शॉर्ट्स में भी थंबनेल लगता है। मैं सिंपल सा आप लोगों को बताता हूँ, जैसे अगर हम लोग टेक्निकल वीडियोस में देखते हैं तो देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को एरो मिल रहा है, ये सब जो एरो है ये एक थंबनेल, ये थंबनेल बना के इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है तब जाके ये एरो आ रहा है, वरना डायरेक्टली यहाँ पे एरो आएगा नहीं। वैसे अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे इधर स्लाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ऐसे वीडियोज मिलेंगे जहाँ पर थंबनेल लगा हुआ मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देखते हो कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ये कैसे लिखा हुआ है, इन्होंने थंबनेल यहाँ पे ऐड किया है तभी ने लिखा हुआ है, हम लोग थंबनेल में ही लिख सकते हैं, पोस्टर में लिख सकते हैं। इसी चीज को यहाँ पे फिर से इधर अगर हम लोग स्लाइड करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर हम लोग को रिएक्शन मिल रहा है और उसी चीज का जो मेन वीडियो में बताया गया है उस चीज का यहाँ पे थोड़ा सा थंबनेल यहाँ पर ऐड कर लिया है। वैसे ही अगर हम लोग इधर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पर भी आप लोगों को थंबनेल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी आप लोग एक थंबनेल देखने को मिल रहा है कि कोई बच्चा जो है वो कूदने जा रहा है। वैसे ही नीचे अगर जैसे जैसे स्लाइड करेंगे उस हिसाब से आप लोगों को कुछ ना कुछ हर एक वीडियो में थंबनेल लगा मिलेगा, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर भी ये क्या हो गया वेट फॉर एंड, एंड यहाँ पे भी उनका थंबनेल लगा हुआ है। तो ये थंबनेल है इसे हम लोग कैसे बना सकते हैं, उसके बाद हम लोग यूट्यूब में कैसे लगा सकते हैं, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। सबसे पहले जानते हैं कि आप लोग अपने शॉर्ट्स वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बना सकते हो। तो सिंपल सा आप लोगों को प्ले स्टोर पर आना है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है पिक्चर एडिटर के नाम से, इसको आप लोगों को डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करोगे कुछ इस प्रकार का डिफॉल्ट आएगा, तो यहां पे देख सकते हो आप लोगों को ऊपर में मिल रहा है 3 डॉट, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है, फिर इमेज सर्च पर क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद आप लोगों को ये देख सकते हो जहां पे 16 लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा होता है, सबसे पहले आप लोगों को 9, उसके बाद लास्ट में यहां पे आप लोगों को 16 लिख लेना है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। आप लोगों को जो ये इंटरफेस आएगा ये शॉर्ट्स का इंटरफेस आ जाएगा। अब ये डिफॉल्ट में आप लोगों को क्लिक करके ऊपर में डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है उस पर क्लिक करके हटा लेना है। अब आप लोगों को जो भी यहाँ पे थंबनेल बनाना है, जैसे कि मैं सिंपल से कुछ स्क्रीनशॉट में यहाँ पे ले लेता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट मिल रहा है, जैसे मैं पहाड़ पर घूमने जा रहा था तो उस चीज का यहाँ पे स्क्रीनशॉट मिल रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा मैं स्क्रीनशॉट एक ले लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे 9:16 वाला सेलेक्ट कर लेना है, रेशियो देख सकते हो यहाँ पे मिल जाता है 9:16, इस पर सेलेक्ट करके आप लोगों को ओके पर क्लिक करके इसको पूरा पूरी बढ़ा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को सिंपल सा इस पर लॉक लगा देना है, देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को लेयर का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे लॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप लोगों को लेयर पे क्लिक करके आप लोगों को पहले लॉक लगाना है पहले वाला यहाँ पे लेयर पे, फिर आप लोग यहाँ पे प्लस अगेन, अब गैलरी कहाँ आ रहे हैं तो देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को प्लस अगेन मिल रहा है, फिर आप लोग यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके सिंपल सा आप लोगों को जो भी लाना है जो स्क्रीनशॉट वगैरह ले आना है वो ले आना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने पहाड़ वाला दे दिया, उसके बाद अब आप लोगों को ये हाथी वाला दे देता हूँ। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे एक हाथी का आता है, अब इस चीज़ को भी आप लोगों को 9:16 सेलेक्ट कर लेना है, यस कर लेना है, उसके बाद आप लोगों को सिंपल सा ये देख सकते हो यहाँ पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर बीच में क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद आप लोग इधर थोड़ा सा स्लाइड कर लेना है, यहाँ पर आप लोग इरेज का ऑप्शन मिल जाता है, ऊपर में आप लोगों को दोनों यहाँ पे 100 पर क्लिक कर देना है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे दोनों 100 पर क्लिक कर देना है। अब आप लोगों को जो देना है मतलब जो सेक्शन देना है उस चीज़ को आप लोगों को कुछ इस प्रकार से इरेज कर देना है। ठीक है, जैसे कि मुझे ये हाथी वाला सेक्शन देना है तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से इरेज कर दूंगा और यहाँ पर यस कर दूंगा और यहाँ पर साइड में कहीं पर इसको लगा दूंगा, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगा देना है, फिर आप लोगों को यहाँ पर हटा देना है। देखो यहाँ पर जो आप लोगों का मंदिर रहेगा उसको आप लोगों को रखना है, मंदिर आप लोगों का मेन हाईलाइट है। ठीक है, ये देख सकते हो इस प्रकार से मैं मंदिर को मेन हाईलाइट में रखता हूँ, फिर यहाँ पे लॉक लगा देता हूँ दोनों लेयर को, उसके बाद यहाँ पे फिर से आप लोगों को ये प्लस साइन पर क्लिक करके फॉर्म गैलरी पर क्लिक करके आप लोगों को पहाड़ का कुछ स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसे कि ये आ जाता है, फिर हम लोग इधर स्लाइड करेंगे, फिर आप लोग इरेज पे क्लिक करके वैसे ही आप लोगों को बढ़ा लेना है और जितना आप लोगों को चाहिए उस हिसाब से आप लोगों को कर लेना है। आप देखो हम लोगों का थंबनेल कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5 चीजें यहाँ पे एलिमेंट्स दे दिया। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज लिखना है तो सबसे पहले ये प्लस साइन पर क्लिक कर लेना है, फिर सेप्स पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस प्रकार का एक लाइन खींच लेना है, देख सकते हो कुछ इस प्रकार के जहाँ पे आप लोगों को लिखना है, फिर आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा कर देना है जिस प्रकार से आप लोगों को लिखना है, तो मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का यहाँ पे यस कर देता हूँ। अब इसका आप लोगों को कलर अगर चेंज करना है, जैसे मुझे यहाँ पे येलो रखना है, देख लेता हूँ येलो रेड अच्छा लग रहा है, रेड यहाँ पे रहने देता है। उसके बाद आप लोगों को फिर से ऊपर के प्लस साइन पर क्लिक कर लेना है, फिर आप लोगों को टेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है और इस पर आप लोगों को डबल टिक क्लिक करके आप लोगों को जो लिखना है वो लिख लेना है। यहाँ पर मैंने लिख लिया, अब आप लोगों को इस चीज को यहाँ पर ले आना है। ठीक है, अब इसका अगर आप लोगों को फॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो सिंपल से देख सकते हो ये एक ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है, देन उसके बाद आप लोग इधर स्लाइड कर लेना है और उसके बाद आप लोग ये फॉन्ट पर क्लिक कर लेना है। अब अगर आपके पास फॉन्ट है तो फॉन्ट वो सब आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी ये खान बोल्ड है, सेमी बोल्ड है, तो ये सब आप लोग ले लीजिएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, नॉर्मली गूगल में ही मिल जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर कर लेना है। अब जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को जैसे यहाँ पे आप लोगों को इक्वल पर पूरा पूरी इक्वल कर लेना है, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से मैं इक्वल कर लेता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद अगर आप लोगों को जैसे कुछ चीजें हाईलाइट करना है, जैसे कि हमको यहाँ पे हाईलाइट करना है पहाड़ में चढ़ाई वाला हाईलाइट करना है, तो सिंपल से कलर पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे पहाड़ चढ़ाई वाला, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आप लोग सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे प्लस में क्लिक करके आप लोगों को येलो
पर सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे यस कर देना है। एंड देख सकते हो पूरा दिन पहाड़ चढ़ाई किया, यह हम लोगों को एक हो गया। उसके बाद अब अगर आप लोगों को हाईलाइट्स देना है ना, तो सिंपल सा आप लोगों को एरो यहाँ पे सबसे पहले ऐड करना है। मैंने यहाँ पर एरो ऐड कर लिया, आप लोग नॉर्मली गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर यस कर लेना है और इसको आप लोगों को थोड़ा सा छोटा कर लेना है, जिस हिसाब से आप लोगों को छोटा करना है। देख सकते हो यहाँ पर एरो आ गया। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे मंदिर को हाईलाइट करेंगे, फिर यहाँ पे यस कर सारा चीज यहाँ पे लॉक लगा देंगे, फिर इसी चीज को कॉपी कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को जहाँ पे भी, जैसे कि यहाँ पे हाथी में हम लोगों को यहाँ पे करना है, तो हाथी में आप लोगों ने एक बार ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर से इस लेयर को भी लॉक लगाना है, फिर से आप लोगों को कॉपी कर लेना है। देन उसके बाद अब आप लोगों को फिर से यहाँ पर इस चीज को हाईलाइट करना है, ठीक है। इस चीज को अभी हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे कॉपी कर लेना है। देन उसके बाद फिर से आप लोगों को ये एरोप्लेन वाला भी हाईलाइट कर लेना है। देख सकते हो यहाँ पे एरोप्लेन जहाँ पे उतरता है, एरोप्लेन बोल रहे हैं यार, हेलीकॉप्टर उतरता है, उस पर आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट कर लेना है। देख सकते हो यहाँ पे सारा चीज एरो आ गया। उसके बाद अब जो भी आप लोग हाईलाइट करना है, मैंने सिर्फ आप लोगों को एक चीज बता दिया। अब आप लोगों को सेव कैसे करना है, तो ऊपर में देख सकते हो आप लोगों को एक सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आप लोगों को सेव इज इमेज पर क्लिक कर लेना है, फिर कस्टम की जगह पर क्लिक करके अल्ट्रा पर क्लिक करके आप लोगों को सेव टू गैलरी पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये तो थंबनेल बन गया, लेकिन अभी भी लगाने के लिए आप लोग डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम में डायरेक्टली आप लोग सिलेक्ट करके लगा देते हैं, वैसे आप लोग तो यहाँ नहीं लगा सकते हैं। तो सिंपल सा अब आप लोगों को काइन मास्टर पर जाना है। अब यहाँ पर आप लोगों को थंबनेल ऐड करना होगा, थंबनेल को भी वीडियो के साथ एक्सपोर्ट करना होगा। उसके लिए आप लोगों को जो भी एडिटर है उस पर आप लोग एडिट कर रहे हो, बस लास्ट में, फर्स्ट में, बीच में कहीं भी आप लोगों को थंबनेल ऐड कर लेना है। मैं बोलूंगा लास्ट में ऐड कर लेना, ताकि आप लोगों को बाद में जब थंबनेल सेलेक्ट करेंगे तो झमेला नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हो मैं थंबनेल ले आया, यहाँ पे थंबनेल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप लोगों को इसको एटलीस्ट एक सेकंड, आध सेकंड के लिए आप लोगों को लास्ट में ऐड कर लेना है। जैसे कि मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ, हरियाली मिलेगा। देखो यहाँ पे लास्ट में मैंने एक बार प्ले करके दिखा दिया, अब यहाँ पे थंबनेल हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे आप लोग नॉर्मल एक्सपोर्ट करते हो, वैसे आप लोगों को एक्सपोर्ट कर देना है। अब आप लोगों को वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद यूट्यूब पर आना है, और जैसे नॉर्मली आप लोग शॉर्ट्स को या कोई भी चीज को आप लोग जैसे अपलोड करते हो, वैसे आप लोगों को अपलोड कर लेना है। सिंपल से यहाँ पे मैं वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोगों जो एक्सपोर्ट किया था थंबनेल वाला वीडियो सिलेक्ट करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों को वीडियो मिल जाता है, देख सकते हो। अब आप लोग यहाँ पे डन पर क्लिक कर देना, ठीक है। थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। प्रोसेसिंग हो गया, अब आप लोगों को सिंपल से यस पर क्लिक कर देना है। देन देख सकते हो आप लोगों को नेक्स्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप लोगों को नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोगों को थंबनेल सेलेक्ट करना है। कैसे, सिंपल सा देख सकते हो आप लोगों को एक एडिट का ऑप्शन मिल रहा है, वीडियो जहां पर आप लोगों को मिल रहा है उस जगह पर एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग लेगा, तो थोड़ा सा आप लोगों को वेट कर लेना है। उसके बाद अब आप लोगों को ये जो कर्सर मिल रहा है, देख सकते हो ये जो कर्सर मिल रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है, और जहां पर आप लोगों को थंबनेल था वहां पर आप लोगों को लास्ट में सिलेक्ट कर लेना है। देख सकते हो यहां पर हम लोगों का थंबनेल सिलेक्ट हो गया। देखो पूरा दिन पहाड़ चढ़ाई किया, अब सारा चीज यहां पे अलाइनमेंट्स आ गया। उसके बाद आप लोगों को डन पर क्लिक कर देना है, और ध्यान देना है यहां पर आप लोगों को सिलेक्ट होना चाहिए। यहां पे देख सकते हो आप लोगों को थंबनेल दिखना चाहिए, अगर यहां पे थंबनेल नहीं दिख रहा है मतलब सिलेक्ट नहीं हुआ है, आप लोगों को दोबारा सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आप लोगों का टाइटल रहेगा, जैसे कि यहां पे मैं सिंपल सा वही टाइटल दे देता हूं जो मेरा थंबनेल में है, पूरा दिन PAHR पहाड़ चढ़ाई किया, ठीक है, यही वाला टाइटल दे दिया। और लास्ट में आप लोग हैशटैग शॉर्ट्स जो भी देना है दे देना है, हैशटैग शॉर्ट्स यहाँ पे मैं दे देता हूँ। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सिंपल सा अभी फिलहाल के लिए मैं इस अनलिस्टेड में ही इसको अपलोड या शॉर्ट्स पे क्लिक कर देता हूँ। अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, अपलोड होने देते हैं। अब देखो हम लोगों का वीडियो अपलोड हो गया, और यहाँ पर देख सकते हो थंबनेल आप लोगों को मिल रहा है, जो हम लोगों ने थंबनेल सेलेक्ट किया है। बाकी वीडियो में देख सकते हो नॉर्मल थंबनेल जो हम लोगों ने वीडियो से ही सिलेक्ट किया था। तो इस प्रकार से आप लोग थंबनेल सेलेक्ट कर सकते हो और शॉर्ट वीडियो को अपने वायरल भी कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो पर इतना ही। वैसे आप लोग अपने शॉर्ट्स वीडियो वायरल करना है तो ऊपर वाला वीडियो क्लिक कर लो। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।